हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीके टेक्निकल पॉइंट और मैं हूं दिनेश शर्मा। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे किस तरह से डेसिमल नंबर्स को ऑक्टल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डेसिमल नंबर्स को किस तरह से ऑक्टल नंबर्स में चेंज करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी लास्ट वीडियोस में बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आदि नंबर्स को चेंज करना बताया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जाके दे रखा है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं और वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आज बात करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल नंबर्स को कैसे चेंज करेंगे। बहुत ही इसी वे मैं आपको समझाने वाला हूँ एग्जाम्पल के द्वारा कि आप किस तरह से एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जानते हैं किस तरह से एग्जाम्पल के द्वारा हम एक डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। मान लो हमारा कोई भी डेसिमल नंबर है, यहाँ पे 315, इसको मैं कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। डेसिमल की क्या पहचान है? डेसिमल का बेस होता है 10 और ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8। ये के बेस है तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 315। 315 को इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे 315 और यहाँ पे इसका जो बेस है उसे डिवाइड करेंगे, इसको 315 को डिवाइड इस तरह से करते हैं 315, इधर लिख लेता हूँ 8 से डिवाइड करना है हमें इसे 315 को, तो 8 3 4 24, यहाँ पे बचा 7, ये हो गया 75। फिर इसमें डिवाइड करेंगे 75 को तो 8 9 72, यहाँ पे बचा 3। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको हमने कितनी बार डिवाइड किया है, इसको 315 को 39 टाइम्स इसको यहाँ पे लिख देंगे और जो हमारा शेष बचा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इस 39 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे, इसको जब तक डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को जब तक ये 8 से कम ना आ जाए यहाँ पे, तो इस 39 को लिखते हैं फिर दोबारा से 39 into 8 1540 हो जाएगा, 8 4 32, अब ये बचा 7। अब यहाँ पे हमने कितने टाइम्स डिवाइड किया इसको, 4 टाइम्स, और हमारा शेष कितना है यहाँ पे आया 7। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है जो मैंने बताया था कि जब तक ये 8 से कम ना हो जाए तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे, अभी 8 से कम हो गई है, 4 हो गई है, तो इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे, तो इसको इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से 4 इस वैल्यू को लेंगे एंड इसको और इसको 7 और 3 और यहाँ पे लिख देंगे 8, क्योंकि हमने 8 से डिवाइड किया है और हमें चेंज करना है ऑक्टल में, ऑक्टल का बेस होता है 8। इस तरह से इसका जो आंसर आया 315 10 का, ये आया 4 7 3 and 8। ये डेसिमल नंबर को हमने बहुत ही इसी तरीके से ऑक्टल नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 8 से, जितने टाइम से डिवाइड जाता है और जो शेष बचता है उसको यहाँ पे लिखते हैं और इसको जब तक डिवाइड करते हैं तब तक हमारा ये वैल्यू जो है 8 से कम ना हो जाए, और जो भी हमारा नंबर आता है उसको इस क्रम में लेते हैं हम, यहां से ऐसे जो शेष बचेगा उसे लेंगे और इनका जो पहले का शेष बचा उसको लेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक डेसिमल को ऑक्टल नंबर में बहुत इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, डेसिमल टू ऑक्टल को। हमारे कोई भी मान लो डेसिमल वैल्यू है, इसमें 32 है और इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में, ऑक्टल का बेस 8 होता है, इसका 10 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से 32 और 8। अब इस 8 से इस 32 को डिवाइड करेंगे, 8 into 32, 4 टाइम्स आएगा 32, कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं बची है, तो अब यहाँ पे हमने कितने टाइम डिवाइड किया इसको, 4 टाइम्स, कितनी वैल्यू बची है, सेल्स जो बचेगा इस टाइम का इसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर 8 में आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है 4 हो गई, यानी 8 से कम हो गई है, तो इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे, इसको सेम इसी फॉर्मेट में लिख देंगे, इसका क्या आएगा 4 and 0, ये आया 40 और ये 8, ये हो गया इसका ऑक्टल नंबर, आंसर आ गया इसका, ये आया हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी कि 32 का जो डेसिमल है इसको ऑक्टल नंबर में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 40 और ये इसका बेस 8। बहुत इजी है, सबसे पहले 32 लिखेंगे, उसके बाद उसको 8 से डिवाइड करेंगे, उस तरह से जो हमारा सेल्स को जितने बार डिवाइड करेंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे बीच में, और जो इसका डिवाइड के बाद वन टाइम में जो सेल्स बचेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद उसको इस वैल्यू को जब तक डिवाइड करेंगे तब तक ये 8 से कम ना हो जाए, ये पहली बार में 8 से कम हो गई तो इसको फिर दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है।
तो इस तरह से जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ से इस फॉर्म में लिखेंगे और 4 और 0 बहुत ईजी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।